बड़े लोग जो धनवान हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जजेज हैं, ये सब लोग एक लिमिट अरसे में शराब पीते हैं 10 बजे के बाद। महंगी हो गई शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करें। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप एनबीसी 24 देख रहे हैं। शराब महंगी नहीं हुई है, बिहार में शराबबंदी है। ये गाना का बोल है कि महंगी हो गई शराब तो थोड़ी थोड़ी पिया करें। बिहार में शराबबंदी है लेकिन एनडीए के हिस्सा है जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी राम पर बयान देते हैं तो कभी 1000 करोड़ का बजट मांगते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और कहते हैं कि नहीं पास करिएगा तो हम सरकार गिरा देंगे। अब कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जज हैं, अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, वो 9 बजे के बाद शराब पीते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि आप 50 मिलीलीटर अगर शराब पी लेते हैं तो आपको जेल हो जाती है। गरीबों के लिए जेल है, अमीरों के लिए नहीं। ऐसा मतलब बिहार में जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसका हिस्सा है जीतनराम मांझी और उनके बेटे जो है वो मंत्री हैं। और ऐसा जीतनराम मांझी कह रहे हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सोचना पड़ेगा कि जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं वो लोग ही कह रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, जज, ठेकेदार, इंजीनियर सब लोग रात को शराब पीकर सोते हैं। तो आखिर गरीब पर क्यों अत्याचार हो रहा है? ये वही जीतनराम मांझी हैं जब 2016 में पूर्णतः शराबबंदी लागू होने की बात हो रही थी, 15 में जब जो देसी शराब है वो बंद हुआ था, तो जीतनराम मांझी ने कहा था कि मैं प्रतिदिन एक बियर का बोतल मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचाऊंगा जब तक पूर्णतः शराबबंदी बिहार में लागू नहीं होती। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू कर दी। फिर भी अब जीतनराम मांझी ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जज हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, वो अपने घर में 9 बजे के बाद शराब पीकर सो जाते हैं। तो आखिर गरीबों पर अत्याचार क्यों हो रहा है कि थोड़ी सी शराब पीने के बाद उनको जेल हो जा रही है? जेल तो बड़े बड़े अधिकारियों को होनी चाहिए। यानी खुले तौर पर नीतीश कुमार को यह चुनौती है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, आप ही के गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। अगर बिहार में शराबबंदी होती तो जीतनराम मांझी ऐसा बयान नहीं देते। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जीतनराम मांझी और वो ऐसा कह रहे हैं, तो यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी नहीं है। ठेकेदार, जज, इंजीनियर सभी लोग, अधिकारी सभी लोग 9 बजे के बाद हल्की हल्की शराब पीते हैं और सो जाते हैं। जीतनराम मांझी से पूछना पड़ेगा कि क्या उनका ये जो बयान है वो वाकई में बिहार में शराबबंदी के ऊपर है, क्या बिहार में वाकई में शराबबंदी है या फिर नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे एनबीसी।